आज हम ईमान के ताल्लुक से एक बात देखेंगे, लेकिन बताने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपका बॉल, बताओ बताओ ये बॉल कौन से कलर का है? ग्रीन। ये बॉल का शेप क्या है? सर्कल। सर्कल सर्कल है। हाँ, सर्कल किसे बोलते हैं मालूम है? ऐसे अगर सर्कल होता है, ये क्या है? सर्कल। जब ये थ्री डिमेंशनल होता है ना, तो इसे स्फेरिकल बोलते हैं, है ना? ओके ओके। ये पेंसिल, ये कौन से कलर की है? पिंक। पिंक, फिर से देखो। पिंक। ये फ्लोरेसेंट रेड टाइप का दिख रहा है मुझे, ऑरेंज जैसा दिख रहा है ना? पिंक नहीं दिख रहा है। कितने ना इन कलर्स में प्रॉब्लम होते हैं। ये पिंक के ऊपर से। हाँ ओके। इसका शेप क्या है? ये स्ट्रेट है। हाँ ओके। अब बताओ ये टेबल कौन से कलर का है? रेड। ये बताओ आपको पता कैसे चला रेड कलर का है? क्योंकि इस पे पेंट मारा हुआ है। तो आपको दिख रहा है ना? हाँ। देख के बोल सकते हो। इनकी चेयर कौन से कलर की? रेड। और आपकी चेयर? पिंक। पिंक। देखो आपने जो चीज देखे आप बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा है। अल्लाह ताला को आपने देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है ना? तो जब हमने देखा नहीं है तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हैं ऐसे हैं। हमें कैसे पता चलेगा? अल्लाह ताला अपने नबियों के जरिए, वही के जरिए जो बात बताते हैं तो वही बात पता चलेगी। इसी वजह से हम अल्लाह ताला के बारे में खुद की मर्जी से कुछ बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते हैं। अच्छा अब देखो ये दो पेंसिल है, दोनों की सेम हाइट है कि कम ज्यादा है? बोलो बोलो बोलो। सेम है। यस सेम हाइट है। देखो कलर अलग है। आप देखो ये दोनों सेम कलर है। हाँ। दिख रहा है? हाँ, हाँ? सेम है क्या अलग है? सेम है। बराबर है ये बोल सकते हैं? इक्वल है। इक्वल। इक्वल। ओके अब बताओ अल्लाह का कोई इक्वल है? नहीं। अल्लाह का कोई इक्वल नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला का कोई कुफु बराबर नहीं है। अल्लाह ताला का कोई बराबर नहीं है। अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है। अब बराबर तो कोई है ही नहीं, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। जैसे मिसाल दे रहा हूं, ये दोनों सेम है? नहीं। कोई चीज में सेम है? जैसे कि हाइट सेम है, हाइट सेम है। कलर सेम है? हाँ, नहीं। कलर सिमिलर हो गए दो, मतलब कि हाइट सेम है, एक चीज में सेम है, दूसरी चीज में सेम नहीं है। अल्लाह ताला के बराबर तो कोई है ही नहीं, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लैसा कमिथलिही शई, अल्लाह के बमिसल, अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं। अल्लाह के बराबर तो कोई है ही नहीं, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है। अच्छा आपको पता है सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह से स्ट्रांग कोई है नहीं। अल्लाह ताला किसी को अपने जैसा बनाते भी नहीं है। अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है। सब इंसान कैसे? हम लोग इंसान है, हम लोग मखलूक है। एक मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के लिए हम तुम्हें पा रहे हैं, आप तीनों की तीनों एक साथ में बात करो, इसके साथ एक साथ में बोलना कुछ। हाँ ओके तीनों, मैं थ्री बोलूंगा वैसे ही आप लोगों को एक सेंटेंस बोलना है। एक सेंटेंस रेडी रखो, एक ही सेंटेंस बोलना है। एक सेंटेंस दिमाग में रेडी है? हाँ। रेडी है? रेडी है। कब बोलना है? जब मैं वन टू थ्री बोलूंगा वैसे बोलूंगा। हाँ कितनी बातें बोलोगे? एक बात। हाँ ओके तुम गौर से सुनो। हाँ सबकी बातें सुनो। वन टू थ्री। तुझे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? तुझे क्या? मैं एक साथ में नहीं बोले, मैं थ्री बोलूंगा तब बोलना। अभी दूसरी बात बोलो। सब एक बोलेगा तब साथ में। एक मैं थ्री बोलूंगा तभी साथ में बोलना सब लोग। हाँ वन टू थ्री। तुम्हारा नाम क्या है? स्टॉप। मेरी है। क्या बोले इन्होंने? क्या बोला? जल्दी बोलो। अच्छा इन्होंने क्या बोले? मेरी एज क्या है ये पूछे थे तुमने? हाँ। इन्होंने क्या बोले? नहीं मालूम। तो तीन में से एक ही सुने क्योंकि उसके ऊपर ध्यान था, बाकी दो पे ध्यान नहीं था, बराबर सुन ही नहीं सके। अच्छा सोचो तीन की जगह चार हो तो इजी हो गया डिफिकल्ट हो गया? डिफिकल्ट। और चार की जगह चालीस हो तो डिफिकल्ट के इम्पॉसिबल ज्यादा इम्पॉसिबल। चालीस की जगह 400 हो तो इम्पॉसिबल। 4,000 हो तो इम्पॉसिबल। 4,00,000 हो तो इम्पॉसिबल। 4 करोड़ लोग एक साथ में बात कर। ओके अच्छा सुनो, हम लोगों को कितनी आवाज सुनाई दे रही है? बोलो सुनो सुनो सुनो। क्या सुनाई दे रहा है? दूर दूर तक की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। हमारे कानों की क्या लिमिट है मालूम? ये दीवार बंद है ना तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है बाहर का। बाहर दूर अगर है ना मालूम है, कहीं पे मशीन चल रही, कहीं पे ट्रेन जा रही,
कहीं पे एरोप्लेन हो रहा है जूम, हाँ कहीं पे गाड़ी जा रही है, सब आवाज आ रही है नहीं, नहीं आ रही। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसको सब दुनिया भर की आवाज सुनाई देने लगे, दुनिया भर की, करीब की, दूर की, इंसान की, जानवर की, परिंदे की, मशीन की, जिन की, सब आवाज सुनाई देने लगे, सब 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 आवाज सुनाई देने लगे, तो उसका क्या हो जाएगा? वो पागल हो जाएगा, पागल कान फट जाएंगे, कान फट जाएंगे, पागल हो जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों सही जवाब। और बताओ, हमारे कान जो है ना लिमिट है हमारी कान की, हम लोग सुन नहीं सकते, हम लोगों को सब कुछ सुनने नहीं आता, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। आपको सब कुछ सुनना है एक टाइम पे? सब सब कुछ सुनना है, नहीं सुनना है, लेकिन अल्लाह ताला कौन है पता है? सब कुछ सुनते हैं अल्लाह ताला, असमी, सब कुछ सुनने वाले। तो अल्लाह के बराबर कोई है? अल्लाह के जैसा भी कोई है? कोई है? नहीं है। अल्लाह ताला अपनी कोई खूबी किसी को देते भी नहीं है, लई सका मिसली शई, अल्लाह के बमिसल कोई नहीं है, याद रखिए। हाँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इसमें अल्लाह खालिक और मखलूक में मिक्स नहीं करोगे, खालिक अलग है, मखलूक अलग है, क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है, रचनाकार अलग है, रचना की हुई चीज अलग है, समझ रहे हैं आप? हाँ। अल्लाह ताला कौन है जिसने हम सबको बनाया, वो किसी पे डिपेंड है? नहीं। आपने खाना खाया था दोपहर में? खाना खाए थे तुमने? खाना खाए थे? अगर खाना नहीं मिलता तो हम लोग तो ताकत इतनी होती नहीं, हम लोग अच्छा। अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते हाँ। ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता तो हम लोग कमजोर हो जाते। ओके। और अगर कल रात को डिनर खाते हाँ। और डिनर भी नहीं मिलता तो मर जाते, और 10 दिन तक खाना नहीं देते तो मर जाते। क्यों? तो फिर अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला तो खिलाने वाले हैं, अल्लाह को खाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप सब सोए थे कल रात को? और अगर नींद नहीं मिले, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन, आठ दिन, नौ दिन, दस दिन, क्या हाल हो जाएगा? तो डार्क सर्कल आ जाएगी। डार्क सर्कल तो आ ही जाएंगे, लेकिन फिर हाल क्या हो जाएगा अगर सोए नहीं तो? हम लोग नहीं जी सकते, हम लोगों को नींद की जरूरत है। हाँ, अगर ज्यादा देर में आपको प्रोग्राम में बैठा दूं तो आप लोग यहाँ भी सो जाओगे, है ना? ओके। तो हम लोग देखते हैं अल्लाह ताला वो है जिसे सोने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताखुजुहु सिनतौ वला नौम, उसे ना नींद ना ऊंग। ऊंग क्या होती है? ऊंग ऊंग मतलब ऊंग ना कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे हाँ, फिर उड़ गए। हाँ, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही डेमोंस्ट्रेशन। हाँ, तो ऊंग अल्लाह ताला को ना नींद ना ऊंग काबू में करती है, अल्लाह ताला को कोई चीज नहीं, ना नींद की जरूरत है, ना थोड़ी ऊंग आती, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला को कोई चीज नहीं। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये बातें आप अगर याद रखेंगे तो आप मिक्स नहीं करोगे। क्या चीज में मिक्स नहीं करोगे? हाँ, देखो, क्रिएटर और क्रिएशन, वेरी गुड, क्रिएटर एंड क्रिएशन में मिक्स नहीं करोगे, क्योंकि अगर मिक्स करे तो क्या होगा मालूम है? कौन बताएगा? अगर क्रिएटर और क्रिएशन में मिक्स करे तो क्या होगा? क्या गड़बड़ हो जाएगी? हाँ, क्या गड़बड़ हो जाएगी मालूम है? क्या होगी गड़बड़? लोग, इबादत है ना, इबादत अल्लाह ताला की करनी चाहिए ना। हाँ। अल्लाह के अलावा औरों की इबादत करने लगते हैं जब ये मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देंगे ना तो जो अल्लाह का हक है वो दूसरों को दे देते हैं। हाँ, तो ये मिक्सअप आप इंशाल्लाह नहीं करना है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।